तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो टाइम टेबल बताऊंगा, अगर आप उसको एग्जैक्टली फॉलो करते हैं तो आप नीट के अंदर 600+ मार्क्स इजीली ला रहे होंगे। और मैं आपको ये गारंटी के साथ कहता हूँ, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स इस वजह से नीट को क्रैक नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ के अंदर बहुत सारे टाइम टेबल बनाए हैं लेकिन उनमें से किसी भी टाइम टेबल को वो पूरे मंथ फॉलो नहीं करते हैं। ये मेरा खुद का टाइम टेबल है और अगर आप इसको अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो आप इजीली नीट को क्रैक कर सकते हैं और वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। हेलो गाइस, दिस इज़ बशार अचिफी, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा अपना टाइम टेबल जो मैंने अपनी नीट के दौरान जो है फॉलो किया था और जिसकी वजह से मैं नीट के अंदर जो है क्रैक कर पाया और मुझे एक अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अपने स्टेट का मिला। तो अगर आप इस टाइम टेबल को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। अभी आपके पास रिमेनिंग 4 मंथ्स है, अगर आप इनके अंदर भी इस टाइम टेबल को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो नीट क्रैक हो सकता है। नीट को क्रैक करना मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस और उतना पावर है कि आप इस पीरियड ऑफ टाइम के अंदर अपना 100% देंगे, क्योंकि आपको इंटरनेट के ऊपर ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेगी जिन्होंने 3 मंथ्स 4 मंथ्स के अंदर ही नीट को क्वालिफाई किया है और आप भी बहुत ईजिली वो कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपको सुबह 6 बजे से लेकर 7 AM तक आपको अपना ब्रेकफास्ट करना है और अपना उसके साथ साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं। फिर 7 AM से लेकर बराबर 1 बजे तक आपको तीनों सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने हैं। अब आपको वो कहाँ से पढ़ने हैं, अगर आपने अभी तक कोई सब्सक्रिप्शन नहीं ली है तो आप फिजिक्स वाला जो है एक अच्छी ऐप है, वहाँ से आपको बहुत सारे सब्सक्रिप्शन मिल जाएंगे। क्रैश कोर्स आप अभी ज्वाइन कीजिए, वहाँ आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं। इसके बाद फिर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक आपको अपना लंच करना है और उसके साथ साथ आप थोड़ा बहुत वॉक भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको 2 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको दिन भर बायोलॉजी पढ़ी उसको एक रिवीजन करना है और उसके साथ साथ जो आपको DPP मिले होंगे उनको सॉल्व करना है। फिर उसके बाद 5 PM से लेकर 8 PM तक आपको अपना केमिस्ट्री का रिवीजन करना है और उसकी जो DPP आपको मिले होंगे वो सॉल्व करनी है। फिर उसके बाद 8 से लेकर 9 PM तक आपको अपना डिनर और उसके साथ साथ थोड़ा वॉक भी कर सकती है। फिर उसके बाद 9 से 12 PM तक आपको फिजिक्स का रिवीजन करना है और उसकी जो आपको DPP मिले होंगे वो आपको करने हैं। फिर उसके बाद 12 PM से लेकर आपको सुबह 6 बजे तक अपना सोना है। तो अगर आप इस टाइम टेबल को फॉलो करेंगे अच्छी तरीके से तो आप नीट के अंदर सेलेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने इस टाइम टेबल को मैं खुद फॉलो किया है और वो 1-2 दिन तक के लिए नहीं, पूरे 7 मंथ्स तक मैंने उसको फॉलो किया है और 7 मंथ्स के अंदर ही मैंने जो है नीट को क्लियर कर पाया हूँ। उससे पहले मैंने 11th और 12th के अंदर कुछ नहीं पढ़ा था, बस उन्हीं 7 मंथ के अंदर मैंने सारा जो नीट का सिलेबस है वो कवर कर दिया है। अभी आपके पास 4 मंथ्स है तो आपको मुझसे ज़्यादा एफर्ट्स लगाने होंगे उसको कवर करने में, तो आप इजीली जो है नीट को क्रैक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।